तो ये देखिए मैं एक बार आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ, कितना क्रिस्पी है ये देखिए। है ना, बहुत ही मज़ेदार सा डोसा, और बहुत ही कम टाइम में आप इसे बना के रेडी कर सकते हैं, और किसी भी चटनी के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगता है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ सूजी के डोसे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सूजी का डोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप बारीक वाली सूजी ली है। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है तो आप मिक्सी में चला के उसको बारीक कर लें। 1/4 कप हम यहाँ पे गेहूं का आटा ले रहे हैं। 1 कप भर के हम इसमें दही डालेंगे। दही ज़्यादा खट्टी वाली नहीं होनी चाहिए। ये मैंने 1 कप भर के यहाँ पे दही डाल दी। आप प्रॉपर मेजरमेंट के साथ ये रेसिपी बनाएंगे तो आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पे हमने 1 कप दही ले लिया। 1/4 चम्मच हम नमक डाल लेंगे इसमें, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लें। और अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। पहले हम दही के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में इसमें पानी ऐड करेंगे। तो एक बार इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप पानी ले लिया है। अब इसे थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें डालूंगी, मिक्स कर लेंगे। जैसा बैटर हम डोसे के लिए बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है। एक बार मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह से। तो ये हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और इसकी कंसिस्टेंसी आपको इसी तरह की रखनी है। ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। अब हम इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे। अब हम इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं, और 15 मिनट के बाद फिर हम इसका डोसा बनाएंगे। तो 15 मिनट हो गए हैं इसे रेस्ट करते हुए। हम हमारा बैटर देख लेते हैं एक बार। तो ये देखिए बैटर हमारा थोड़ा सा थिक हो गया है पहले से। मिक्स कर लेते हैं एक बार। तो हमारी जो सूजी है वो अच्छे से सेट हो चुकी है। अब इसमें से हम थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं इसमें, और इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लेते हैं। 1 चम्मच जितना मैंने पानी इसमें डाल लिया है, और 2 चम्मच के जितना पानी इसमें बचा हुआ है। तो इसको मिक्स कर लेते हैं एक बार। और इसके अंदर अब डालेंगे हम बेकिंग सोडा, यानी खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा हमें इसमें कितना डालना है, वो डालना है हमें इसमें 1/4 टीस्पून। 1/4 टीस्पून खाने वाला सोडा हम इसमें डालेंगे। अगर आप इसमें इनो फूड सॉल्ट डालना चाह रहे हैं तो आप इसमें 1/2 चम्मच इनो फूड सॉल्ट डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और अब इसके हम डोसा बनाना शुरू करते हैं। तो कंसिस्टेंसी आपको इस तरह की रखनी है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, यानी कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है आपको इसे, और बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है। बिल्कुल इस तरह बन पाएगा, यानी कि आप इस तरह से ऊपर से इसे डालेंगे तो एकदम फ्लो में गिरना चाहिए इस तरह से। चलिए बनाना शुरू करते हैं डोसा। अब हम इसमें 1 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल या घी जो भी आप यूज़ करते हैं, इसको हम पैन पे अच्छी तरह से फैला देंगे इस तरह से। पैन हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, इसको अच्छी तरह से फैलाना है, और उसके बाद हम इसमें पानी के छींटे मारेंगे। और पानी डालने के बाद हम इसे एक कपड़े से साफ़ कर देंगे थोड़ा सा पानी डाल के, और हम इसको ठंडा कर लेंगे। यानी कि आपको इस तवे को थोड़ा सा ठंडा करना है, ठंडे तवे पे ही आपको ये डोसे का बैटर फैलाना है। तो ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है, अब इस पर हम ये तकरीबन 2.5 चम्मच के करीब मैं ये डाल रही हूँ। ये छोटा चम्मच है, इसे 2.5 चम्मच मैंने डाल लिया है। धीरे धीरे हम डोसे को फैलाएँगे, बीच में से फैलाएँगे पहले, और उसके बाद फिर साइड से। तो इस तरह से हम डोसे को अच्छी तरह से फैला लेंगे, और साइड किनारों को बिल्कुल पतला रखेंगे हम। अब ये हमने फैला लिया है, अगर आपको कहीं से मोटा लगता है तो स्पैटुला की हेल्प से आप उसे थोड़ा पतला कर दें। और उसके बाद हम फ्लेम को हाई करेंगे, मीडियम हाई फ्लेम पे हमें इसे पकाना है। और साइड से इसके थोड़ा सा घी, या आप बटर या ऑयल जो भी यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे घी में बना रही हूँ, और घी में इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ थोड़ा थोड़ा घी इसके ऊपर लगा दिया है, और साइड में भी फैला दिया है। अब इसको हम मीडियम हाई फ्लेम पे थोड़ी देर पकने देंगे। ये देखिए इसका कलर बहुत अच्छा सा आ गया है नीचे से। और 2 मिनट में से मीडियम फ्लेम पे पका लेती हूँ। और मैंने 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसको कुक किया है, और ये बहुत ही अच्छा सा क्रिस्पी हो गया है, और इसका जो कलर है वो बहुत ही अच्छा है। अब इसको फोल्ड करके हम इस तरह से निकाल लेंगे, तो बहुत ही आसानी से आप ये सूजी का डोसा बना सकते हैं।
इसी तरह से हम बाकी के बना लेंगे। तो यहाँ मैंने एक और फैला लिया है। डोसा फैलाने के बाद ऊपर से आपको घी तेल अप्लाई करना है और मीडियम फ्लेम पे, मीडियम हाई फ्लेम पे आपको इस डोसे को कुक करना है। यानी कि जब आप डोसे को अच्छी तरह से फैला लेंगे तो फ्लेम को आपको मीडियम हाई करना है, और जब इसके ऊपर थोड़ा सा आपको ब्राउन कलर नज़र आने लगेगा तब हम वापस फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसको 2 मिनट और कुक करेंगे। तो ये देखिए इस पर गोल्डन कलर आपको दिख रहा है। अब मैं मीडियम फ्लेम करके इसको 2 से 3 मिनट के लिए और कुक कर लेती हूँ, जब तक ये बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाता। तो हमने फ्लेम को मीडियम कर लिया है, मीडियम फ्लेम पे हम इसको कुक होने देते हैं। 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे और कुक किया है और ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी हो गया है और अपने आप इसने पैन छोड़ दिया है। अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे, तो जिस तरीके से भी आप इसे फ़ोल्ड करना चाहें उस तरह से कर सकते हैं। मैं इसको इस तरह से रोल बना के फ़ोल्ड कर रही हूँ। थोड़ा गर्म है, गर्म में थोड़ी सी दिक्कत होती है लेकिन हो जाता है आसानी से। बहुत ही क्रिस्पी ये डोसा बन के तैयार होता है। इसको फोल्ड कर लिए, आप इसे किसी भी चटनी के साथ सर्व करें, हरी धनिया की चटनी के साथ, सांभर के साथ, या मूंगफली की चटनी के साथ, या फिर आप इसे नारियल की चटनी के साथ सर्व करें, आप इसे सांभर के साथ भी सर्व कर सकते हैं। फटाफट से बनने वाला ये क्रिस्पी सा सूजी का डोसा बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इस डोसे की रेसिपी को एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखिए मैं एक बार आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ, कितना क्रिस्पी है ये। ये देखिए है ना, बहुत ही मज़ेदार सा डोसा और बहुत ही कम टाइम में आप इसे बना के रेडी कर सकते हैं और किसी भी चटनी के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगता है।